So, my dear students, we have this very important question. It is question based on work 2019 का AMU 11th entrance का question है. इसको हम देखते हैं. Question पढ़ रहा हूँ सबसे पहले मैं. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 36 km per hour to 72 km per hour? If the mass of the car is 1500 kg, ठीक? एक 1500 केजी मास की कार है जिसकी वेलोसिटी हमें 36 किलोमीटर पर आवर से, ये 36 किलोमीटर पर आवर से हमको करनी है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पर लाने के लिए, यानी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें एक वर्क करना है. वो वर्क हमसे पूछा गया है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, आंसर दे रखें 75 × 10⁻³ जूल्स, 150 × 10⁻³ जूल्स, सारे आंसर किलो जूल्स में दे रखे, 225 किलो जूल्स एंड 300 किलो जूल्स. ओके, तो हमको आंसर निकालना है, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है कि कितना वर्क डन हम करेंगे एक 1500 किलोग्राम की कार पर अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसकी वेलोसिटी हमको 72 किलोमीटर पर आवर करनी है. ओके, वर्क डन की जो जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वर्क डन की डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. ठीक, ये इस फॉर्मूले से सवाल होना चाहिए, बट हमारे पास बहुत सारी चीजें यहां पर अवेलेबल नहीं है बिकॉज यहां से यहां तक लाने के लिए एक फोर्स तो लगाएंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें यहां पर एक्सेलरेशन होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए. बात समझ गए? तो ना तो हमारे पास एक्सेलरेशन है ना हमारे पास टाइम है, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी है. वेलोसिटी 36 से 72 हो गई है, तो ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली लगने वाला नहीं है. ठीक, अब आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सवाल सॉल्व होगा. कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मैं यहां समझाता हूं. सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास सपोज m है, m केजी का ये ऑब्जेक्ट है. ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, जीरो है. इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा देते हैं इस डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल फोर्स है. इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा. थोड़ी देर के बाद यहां पर जो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, थोड़ी देर के बाद ये ट्रेवल करेगा कुछ डिस्टेंस और यहां आ जाएगा, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, सपोज वो वी हो गई. ठीक, यू इक्वल टू जीरो था यहां पर, और यहां पर वेलोसिटी यू से बढ़कर, जीरो से बढ़कर वी हो गई. ओके, यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ टाइम भी लिया है, और यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है. और यहां से यहां तक कैसे गया, ये इस फोर्स की वजह से गया. बात समझ में आती है क्या? यहां पर इसके पास एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए थी वो कितनी थी, वो जीरो थी. क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी. तो जिस वक्त जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास होगी उसके स्क्वायर को मास से, और फिर इस प्रोडक्ट को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, बॉडी के पास, वो कितनी थी, जीरो थी. लेट इट बी के ई वन. और इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन पर जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी के पास वो कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर. बात समझ में आती है? ध्यान से समझिए कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, एक्सटर्नल फोर्स लगी है और इस ये एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, दैट मींस ये फोर्स एक एजेंट बन के आया और इसने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया. इसने वर्क किया, इसके ऊपर वर्क हुआ, इस बात की पहचान क्या है, इस बात की पहचान यह है कि इसकी एनर्जी बढ़ गई.
ठीक, इसकी एनर्जी यहां जीरो थी और यहां पर आके इसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो चीजों की जो एनर्जी है वो वर्क करने के बाद बढ़ जाती है। वर्क कौन करता है, वर्क इंजन करता है, या आप कहिए इंजन का पेट्रोल या डीजल करता है, या कहिए कि वो फोर्स करती है जो इंजन लगाता है, या समटाइम्स मस्कुलर फोर्स होती है बाई हैंड, है ना। तो जो भी फोर्स होगी अगर वो वर्क कर रही है तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वर्क हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, तो समटाइम्स फोर्स वर्क करती है, समटाइम्स इंजन हम कहते हैं, समटाइम्स पेट्रोल कहते हैं, समटाइम्स डीजल कहते हैं। ठीक, बहरहाल जो भी वर्क इसके ऊपर किया जाएगा उसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समटाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है तो चीजों की हाइट बढ़ जाती है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, अब हम अपने सवाल के ऊपर आते हैं, ये जो हमारा सवाल, अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो थी हमारी कार। ठीक है, मैं एक कार बना देता हूं जिससे फील आ जाएगी। ठीक, ये हमारी कार, ओके, इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 36 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी थी, और ये फॉर एग्जांपल डेटम लाइन, हम यहां से चीजों को काउंट कर रहे हैं। याद रखिए ये 36 किलोमीटर पर आवर की आर इसकी वेलोसिटी हमेशा से नहीं थी, इसकी वेलोसिटी तो शुरू में जीरो रही होगी। तो इंजन ने इसके ऊपर वर्क किया, वर्क कर इसकी वेलोसिटी कितने लेकर आ गया, वो 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इंजन वर्क करता है क्या, उसके बाद वर्क तो करता है लेकिन सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स के लिए करता है। ठीक, इसको मूव कराने के लिए नहीं करता, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए करता रहता है तो ये मूव होती रहती है। ठीक, वो एक बात का मैटर है, एक बात का कंसेप्ट है, उसको बाद में समझेंगे। बहरहाल इंजन ने इसके ऊपर वर्क किया, इसकी वेलोसिटी जीरो से 36 किलोमीटर पर आवर कर दी और ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। किसी वक्त ड्राइवर को ये ख्याल हुआ कि मुझे इसकी वेलोसिटी बढ़ाकर 72 किलोमीटर पर आवर करनी है, तो वो क्या करता है, वो इंजन का थ्रोटल थोड़ा ओपन करता है और इंजन इसके ऊपर दोबारा वर्क करना शुरू कर देता है, और ज्यादा वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक, और ज्यादा वर्क करने का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है। ठीक, कुछ टाइम बीतता है यहां से लेकर और यहां तक, सपोज कुछ टाइम बीतता है और ये कार, सपोज यहां पर आ गई, ओके, ये ट्रेवल होके यहां से यहां तक आ चुकी है, और यहां तक आने के बाद जब हम इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करते हैं तो वेलोसिटी हो जाती है सपोज 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? टाइम बीता, कुछ टाइम बीता जो हमें दे नहीं रखा, उस टाइम में जो वेलोसिटी है वो 36 से कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मास यहां पर कितना है, यहां पर है 1500 केजी, यहां पर भी इसका मास 1500 केजी है, याद रखिए मास में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आई है। यहां से यहां तक पहुंचने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया, ठीक, ना हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा, ना हमें आपके टाइम दे रखा, ना हमें फोर्स दे रखी, ठीक, ये चीजें हमें दे नहीं रखी, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी दे रखी है। ठीक, वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक आई है, तो इसका मतलब जो इंजन ने यहां पर इसको दोबारा वर्क करना शुरू किया, उस वर्क की वजह से यहां जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़कर यहां वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो यहां पर इसकी पास एक काइनेटिक एनर्जी थी KE1, वो कितनी थी, वो थी हाफ एम V1 स्क्वायर, वेयर V1 इज 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? और यहां जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी KE2, वो कितनी थी, हाफ एम V2 स्क्वायर, वेयर V2 इज 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तो वो वर्क डन पूछ रहे हैं जो इंजन ने यहां से लेकर और यहां तक किया है। बात समझ में आई? वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वो वर्क डन इसकी बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये बात याद रखिए, यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है और यहां पर वेलोसिटी कम है। बात समझ में आई? तो यहां की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इस ज्यादा वाली काइनेटिक एनर्जी में से अगर मैं कम वाली काइनेटिक एनर्जी घटा दूं
तो मुझे वो वर्क डन मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया है। दिस वर्क डन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। कार की वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा है, वो वर्क डन कहां चला गया? वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले भी थी, इसके अंदर और ऐड हो गया वर्क डन, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर इतनी हो गई। बात समझ में आ गई? यानी बेसिकली वर्क किसके बराबर है? वर्क इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। ठीक, बहुत आसान सवाल है। ठीक, इतना सारा आपको करना नहीं है, ये तो मैंने समझाने में वक्त लगाया आपको। एक बार कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो इस तरह का कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। ओके, अब वर्क डन निकालना है। यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो एनर्जीज जो हमें दे रखी हैं, उनका उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, आपके पास वर्क डन आ जाएगा जो हमसे पूछा है। वो किसके बराबर होगा? हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। बात समझ में? हाफ और एम ये कॉमन है, इसको आप बाहर ले लीजिए। हाफ इंटू एम कितना है? 1500। वी वन कितना है? वी टू कितना है? 72 किलोमीटर पर आर। इसको मैं देखिए यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, 72 किलोमीटर पर आर। 72 किलोमीटर पर आर को मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। मैं 72 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 72 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इजंट और नॉट? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलता है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वी टू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस दूसरी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आर। 36 किलोमीटर पर आर को भी यहां निकाल देता हूं, 36 किलोमीटर पर आर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं फिर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड कितना आ गया? ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, तो यहां हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में हाफ इंटू 1500 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। ओके, ये हो गया हाफ इंटू 1500 मल्टीप्लाइड बाई 300। ये आपका हो गया हाफ इंटू 45 1, 2, 3 एंड 4। किसके बराबर आएगा ये? ध्यान से देखिए, ये आएगा 225123 और आंसर होगा जूल्स में, 225000 जूल्स। देखिए 225 और 000 यहां पर जूल्स, तो आंसर क्या होगा? सी के बराबर होगा। ठीक, एक बार इस कंसेप्ट को मैं फिर दोहरा देता हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। कार की जो वेलोसिटी थी वो 36 किलोमीटर पर आर थी, यानी इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी पहले से। कार की वेलोसिटी हमने बढ़ाई, कैसे बढ़ाई? वर्क कर बढ़ाई। कौन सा वर्क? जो वर्क हमें निकालना है। कार की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए जो वर्क हमने किया, जो हमें निकालना है, उसके बाद जो वेलोसिटी हो गई वो 72 किलोमीटर पर आर हो गई, यानी यहां पर जो एनर्जी है कार की वो बढ़ गई। तो बढ़ी हुई एनर्जी, दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क दैट वी हैव डन और दैट द इंजन हैज डन। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे? कार की जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी है उसमें से पहली काइनेटिक एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए। अगर कार की आप कार का डिस्प्लेसमेंट निकालने के चक्कर में पड़ गए, या टाइम निकालने के चक्कर में पड़ गए, या फोर्स निकालने के चक्कर में पड़ गए, तो क्या होगा? सवाल में आप खो जाएंगे। तो आपको सवाल का कंसेप्ट अगर पता होगा तो ये सवाल मुश्किल से आपका 30 से लेकर 60 सेकंड के बीच में हल हो जाना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अगर आप इसका कंसेप्ट जानते हैं। ओके, इस सवाल को नोट कर लीजिए और ऐसे सवाल कराता हूं।